सर सेंडुमा देखिए, स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में काफी समय से मतलब 5,000 से स्टॉक करेक्ट हुआ है, लगभग 3,000 के लेवल में पिछले 15-20 दिन में वापस बाउंस बैक कुल बैक ले रहा है स्टॉक। अगर एक बार मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 4056, 4056 के ऊपर स्टॉक अगर सेटल होता है तो वापस में बाइंग जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम हो जाएगा और वहाँ पे जो भी अपने इन्वेस्टर्स है वो बाई कर सकता है। फिलहाल स्टॉक में नया ट्रेंड बनाने की कोई यहाँ पे सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक लेवल नोट कर सकते हैं 4056। उसके ऊपर अगर स्टॉक डेली क्लोजिंग आता है तो फिर स्टॉक वापस से अपने जो प्रीवियस हाईज है 5,000-5,050 के वहां तक ये वापस जा सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास निचले लेवल से खरीदारी है तो मेरे लिए टारगेट कहाँ से कहाँ बनता है? जी अगर आप इन्वेस्टर है और आपने निचले लेवल से बाय करके रखा हो तो इसमें होल्ड करना चाहिए। उसमें मैं एक स्टॉप लॉस का लेवल जरूर बता सकता हूँ, अगर ये वापस 3,000 के नीचे स्टॉक वापस सेटल होता है तो अगर आप इन्वेस्टर भी है स्टॉक में और नीचे के लेवल से लेके रखा हुआ तो इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, जो मैंने लेवल बताया 4056 उसके ऊपर निकलता है, तो ये स्टॉक वापस से 5,000-5,500 तक जा सकता है। ठीक है, और फिर वो अनचार्टेड टेरिटरी होगा तो उस लिहाज से वो धीरे धीरे हम स्टॉप लॉस ही ट्रेल करने की राय होगी शायद, क्योंकि टारगेट उसके बाद टारगेट निकालना मुश्किल है जब अनचार्टेड टेरिटरी जी में जी होगा। जी जी क्योंकि एक बार ये स्टॉक अगर 5,100 के लेवल निकालता है तो उसके बाद इसमें जो इसका जो जो इसका इंटेंसिटी है अप मूव का वो और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक वैसे ही काफी मतलब जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो काफी तेज काफी फोर्स से निकलता है। तो एक बार 5,100 के ऊपर अगर ये सेटल होता है जिसमें काफी कम समय में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। ये राय है संजय।